स्टेटमेंट जारी किए हैं, उनको लेकर हमारे जिलाध्यक्ष जी, पार्टी के सभी लोग अपना विचार रखेंगे उसी रोज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए। जैसा प्रेस जगवाल, मेरे मीडिया और प्रेस के साथियों, जिस तरह से बूंदी विधायक श्रीमान हरिमोहन जी शर्मा साहब लगातार कभी तो बूंदी के विकास के सूत्र, आज केडीए का मसला, जिस तरह का वो वातावरण अखबार के माध्यम से स्टेटमेंट देकर जारी कर रहे हैं, केडीए का मसले पर आज उनकी एक स्टेटमेंट मुख्य अखबारों में छपी है। केडीए पिछली कांग्रेस की सरकार में लागू हुआ, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पुरजोर इसका विरोध किया और माननीय राज्यपाल महोदय से मिले, कोटा में प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। माननीय हरिमोहन शर्मा जी के चहेते मंत्री धारीवाल जी के शासन में ये केडीए लागू हुआ, उस समय आपके मुंह से एक शब्द भी केडीए के बारे में नहीं निकला, और आज आप केडीए के बारे में जनता में उल्टे सुलटे स्टेटमेंट देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। जैसा आपने खुद ने बताया कि 2022-23-24 में 1593 करोड़ रुपए का केडीए को बजट राज्य सरकार से मिला, मैं पूछना चाहता हूं कि बूंदी के 64 गांवों को कितने रुपए उस आपके शासन में दिए आपने, जो आज आप इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी लोकसभा अध्यक्ष जी ने और हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं संगठन के माध्यम से इस पूरे मसले को रिव्यू करने का माननीय राज्य सरकार से हमने आग्रह किया है, और राज्य सरकार इस पर जो भी यथासंभव है कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी। भारतीय जनता पार्टी बूंदी के विकास और जनहित के सभी मुद्दों पर बिल्कुल जागरूक है। पिछले 5 साल में आपने बूंदी शहर या बूंदी जिले के विकास के लिए कौन से नए आयाम स्थापित किए? आपके जिला प्रमुख आपकी, सारी नगर पालिकाओं में चेयरमैन आपके, बूंदी नगर परिषद में राजस्थान की शायद भ्रष्टतम चेयरमैन आपने बूंदी शहर में बिठा रखी है। जितनी दुर्दशा बूंदी शहर में आपके शासनकाल में, इस शासनकाल में हुई है, भूतों न भविष्यति, आज पूरा शहर कचरे के ढेर से सड़ रहा है। पूरा शहर का कोई भी आपने ऐसा डेवलपमेंट का काम नहीं किया। भ्रष्टाचार के कितने मुद्दे ऐसे भी में, कितने DDR मैडम की टेबल पर कितनी फाइलें पड़ी है, राज्य सरकार के पास भ्रष्टाचार के प्रूफों के कितने मुद्दे वहाँ चल गए। आप उन बातों को सबको छुपाने के लिए आपने बूंदी शहर में 3 लाख की सड़क भी बन रही है तो जाजम बिछा कर उसका फीता काटने के अलावा पिछले 5 साल में क्या किया है बूंदी शहर के लिए? बूंदी शहर में आपने कुछ भी नहीं किया। जब हमारी सरकार आई है, बूंदी शहर के डेवलपमेंट के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के निर्देश पर बूंदी शहर का ऐसा और बूंदी विधानसभा और बूंदी जिले का सर्वांगीण विकास हो, इसकी पूरी योजनाएं टेबल पर या पाइपलाइन में चल रही है। बूंदी जिले का जो आज तक कभी विकास नहीं हुआ, इस तरह का विकास करके ये सरकार माननीय भजन लाल जी शर्मा और हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बूंदी जिले का हम इतना विकास करेंगे जिसकी कल्पना हमारे मतदाताओं ने जिस तरह का हमारे पे विश्वास किया है, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी और हमारी सरकार उस पर पूरा खरा उतरेगी। बूंदी शहर के सारे विकास के जो नए आयाम हैं, जिसे बूंदी शहर में आज मार्केट की एक बहुत जरूरी आवश्यकता है, बूंदी शहर की पार्किंग, बूंदी हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी का तो सपना है कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स राजस्थान में शायद इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स की सारी स्पोर्ट की गतिविधियां बूंदी में स्थापित हों, ऐसे उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बूंदी जिले का औद्योगिक विकास, बूंदी विधानसभा का औद्योगिक विकास के नए आयाम स्थापित पूरे 5 साल के शासनकाल में होंगे। जहाँ तक रहा बूंदी शहर का मुख्य विषय है पर्यटन, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी हर चीज़ पर चिंतित हैं और पर्यटन विकास के लिए कई तरह की योजनाएं पाइपलाइन में है, वो सारी इस आने वाले 4.5 साल में धरातल पर उतरेगी। हम बूंदी शहर का विकास करा के बताएंगे।
बाजी पिछले 5 साल में आपने बूंदी जिले की जो दुर्दशा की है उसका आप सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट आप करवा रहे थे, आपने बूंदी शहर के लिए क्या किया कृपया बूंदी की जनता को बताएं। बूंदी की जो दुर्दशा आज है उसके जिम्मेदार सीधे सीधे आप हैं और आज आप दूसरे पे पत्थर फेंक रहे हैं। तो मेरा श्रीमान से निवेदन है कि आपने ना तो कीड़िया के मसले पर कुछ किया, आज आपकी सरकार नहीं है, आपके मंत्री नहीं है, तो आप जबरदस्ती भी उस मुद्दे को उठाकर और 2023-24 में तो आप बताए ना 1593 करोड़ में से बूंदी के 64 गाँव को कितना पैसा मिला। खाली अखबारों में स्टेटमेंट देकर अपनी वाई वाई करने से अभी आपने पूर्व में बूंदी के डेवलपमेंट के 8 मुद्दे उठाए, तो भाई 5 साल कहाँ गए थे वो 8 मुद्दे। हम तो सर्वांगीण विकास के लिए हर पहलू को छू रहे हैं और सारे पहलुओं पर बूंदी शहर का डेवलपमेंट का जहाँ तक सवाल है, इस बूंदी शहर को 5 साल में बूंदी की जनता वास्तव में कहेगी कि हाँ भजन लाल जी की सरकार और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बूंदी का विकास हुआ है, इसकी सारी योजनाएं बना रही है रखी है और पाइपलाइन में चल रही है, आप इसकी चिंता नहीं करें। आपने जो आपके कार्यकाल काले कारनामे हैं ना, उन काले कारनामों को तो जनता को जवाब दो, बूंदी शहर की ऐसी दुर्दशा कैसे हुई। अभी लेटेस्ट में भारत सरकार द्वारा 15 वित्त आयोग के माध्यम से नगर परिषदों को नगर पालिकाओं को अनुदान दिया जाता है, पिछले 6 महीने से 5.5 करोड़ रुपए का अनुदान बूंदी नगर परिषद को नहीं मिला। नहीं मिलने का कारण क्या है कि आप जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स से उन नॉर्म्सों को आपने कहीं पूरा नहीं किया, आपने उन सारे माप बिंदुओं पर आप नहीं उतरे और शुक्रवार को 5.5 करोड़ रुपए बूंदी की नगर परिषद के लेप्स होकर वापस केंद्र सरकार को लौट गए, इसका जिम्मेदार कौन है? सभापति आपकी है, आप लेता है। कृपया कम से कम ये तो पूछे कि बूंदी शहर का 5.5 करोड़ रुपए वापस केंद्र सरकार को कैसे रिटर्न हो गया, इसकी जिम्मेदारी क्या आम जनता की है? पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो झूठे आप बातें करके मीडिया को और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपया इस तरह की नहीं करें और बूंदी जिले का जो आगामी विकास हो रहा है इस विकास में आप सहयोग करें। इतना ही मुझे अपनी बात को कहना था। भाजपा का एक कोई संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लगभग 20 से अधिक फाइलें तो एसीबी में, 17 फाइलें डीडीआर मैडम की टेबल पर, 7 फाइलें जिनमें भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं प्रूव हो गया वो पाइपलाइन में चल रही है, कुछ फाइलें मंत्री जी की। तो आपने भ्रष्टाचार किया है तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार बिल्कुल इसको गंभीरता से ले रही है, जहाँ जिस भी नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है उनको सबको राज्य सरकार कार्रवाई करके हटा रही है। अगर आपने ऐसे कुकर्म किए हैं तो आप उसको सजा मिलेगी। आपने कहा कि वर्ष 83 करोड़ रुपये भी किए हैं को, तो इस वर्ष के पैसे अभी तक आप लोग क्यों नहीं लगाए बोलिए? हमने तो उसकी रिव्यू की मांग की है ना कि केडीए में जिस तरह का आपने 64 गाँव को शामिल किए उस पर पुनर्विचार करके और इसमें रात दी जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया है हमारे सांसद महोदय। एक विधायक जी ने बूंदी विकास प्राधिकरण के गठन की मांग की थी, इसमें लोग कितना सहमत है? तो जब कोटा का विकास प्राधिकरण बनाया आपने, केडीए बनाया, तो उस समय आपने क्यों इसकी चिंता नहीं की? राज्य सरकार बूंदी जिले के विकास के लिए, बूंदी के गांवों के विकास के लिए उचित कदम उठा रही है, अपनी प्लानिंग आगे भेज रही है। आपने तो आपकी सरकार के टाइम पे जिन मुद्दों को आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, 6 महीने पहले ही आपकी सरकार थी ना, तो आज आप हमारे से कैसे अपेक्षा रख रहे हैं? जो भी उचित होगा बूंदी के विकास के लिए वो सारे काम किए जाएंगे। एक मेरा चौथा सवाल ये था कि आपने 2 तारीख को आगामी 2 सितंबर को वंदे भारत बूंदी में ठहरा हो रहा है, वो मेरी बात है, आपकी तारीख निश्चित की है। रेलवे मंत्रालय कहाँ उसका स्टेशन होगा, कितना ठहराव कहाँ रहेगा, वो चार्ट जहाँ तक पब्लिक डोमेन में या उनकी वेबसाइट पे नहीं आएगा वहाँ तक रिजर्वेशन होगा नहीं, तो वो प्रक्रिया तो अभी 3-4 दिन की छुट्टी है, अभी वो प्रक्रिया निश्चित रूप से 2 तारीख के पहले पूरी होगी। वंदे भारत ट्रेन अगर यहाँ रुकेगी, यहाँ के पैसेंजरों को सुविधा नहीं मिलेगी, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उस पर भी चिंता की जा रही है और उसकी बात चल रही है आगे। आपने मेरे से ये भी बात कही है, वो उनका निजी मसला है, वो रूप से अभी केंद्र सरकार से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने और किसी की प्राइवेट बिल्डिंग हो चाहे निजी बिल्डिंग हो, आज कोटा में अगर केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना से
कोटा शहर में जिस तरह का तर्ज का विकास किया गया है, निजी बिल्डिंगों पे भी विकास कार्य हुए हैं, तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। वो जिस तरह की बात कर रहे हैं वो उनका एक निजी मसला है, उनकी बात चल रही है, वो एक निश्चित मुकाम पे पहुंचने के बाद फिर उस बारे में सोचे बात करेंगे। अलॉटमेंट हुई उस वो विवादों में आ गई, राज्य नगर परिषद ने उसको सही तरीके से नहीं लड़ा, जबकि जो सीवरेज प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट था स्टेट ट्रीटमेंट प्लांट का है, ट्रीटमेंट प्लांट जब बनने लगा था उस समय स्टे था, स्टे में वो खसरा नंबर भी आया हुआ है। उसके बाद आपने भूमि चिन्ह अलॉट किए, उसको आपने उसमें विवाद में फंसा दिया। 11 बीघा जमीन जो नगर परिषद ने, मैं तो सीधा सीधा जवाब मांग रहा हूँ, 11 उसी गौशाला की जमीन जो बाकी मदन जी दिलावर सदन में, जब मदन जी दिलावर के स्वशासन मंत्री माननीय धारीवाल जी के कोई विवाद हुआ, उस विवाद में सारा चीज, और वो मंत्री जी दंडे पे बैठ गए, उनकी बात ही दब गई उसमें। इसलिए कहा कि कम से कम 7 फाइल, आप तो 2 फाइल नहीं, 5 फट की पट्टे, ये गौशाला वाली जमीन प्लस 5 और है जो उसको भी मैं कहना नहीं चाहता, 7 फाइल है माननीय मंत्री जी की टेबल पे इस समय है, वो जो विजिलेंस कमेटी जो रिपोर्ट करती है, बीच की पाइपलाइन में है के बैठे हो, सभापति आपकी है और कीचड़ दूसरे पे उछाल रहे हो। बूंदी के बाजार, बूंदी के अंडरग्राउंड पार्किंग, बूंदी के जितने भी दरवाजे हैं उन पे सब पे उनकी मरम्मत होकर बूंदी चित्रशैली की चित्रकारी, बूंदी में साउंड सिस्टम जो राजस्थान में कहीं नहीं है, 10 करोड़ रुपए का साउंड एंड शो सिस्टम है, वो सारे विकास कार्य बिल्कुल पाइपलाइन में, नवल सागर पार्क में लगभग 17 करोड़ रुपए के टेंडर भी हो गए, वहाँ एक वे हम इन चीज़ों को जब ग्राउंड पे आएगी उस समय कहेंगे, पहले योजनाएं तो है बाहर, सब चीज के प्रयास चल रहे, पाइपलाइन से निकलते बुंदी आने में कितना समय लग जाएगा, रात्रि पर्यटक को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं, और निश्चित रूप से 3 से 6 महीने में ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं आपको, ये सारी पाइपलाइन में से बाहर निकलकर धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। क्या जय सागर के लिए भी कुछ बूंदी हाई से और स्टेट टाइम का स्कूल है, 45 करोड़ रुपए इसमें इंडोर स्टेडियम बने, इसके प्रस्ताव माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने बनाकर जिला कलेक्टर और PWD को दे दिए, इसका एस्टिमेट बनाए 28.5 करोड़ का, वो भी प्रस्ताव यहाँ आ गए। बूंदी शहर की बात कर रहा हूँ, बूंदी शहर की 10 स्कूलों में किसी में 4 कमरे, किसी में 5 कमरे, बाल निकेतन जो स्कूल है महात्मा गांधी उसमें 6 कमरे, मतलब बूंदी शहर को इस पिछले 7 दिन में 50 करोड़ रुपए की के प्रस्ताव जिला कलेक्टर के माध्यम से PWD को पहुंच चुके। जिला चिकित्सालय में जांचें नहीं हुई, परेशान हो रहे हैं मरीज वहाँ पे, इनके उसमें क्या होगा काम, जिला चिकित्सालय में उतना गड़बड़ा रही है, उसके बारे में सुधार कब तक होगा, उसके बारे में भी ध्यान दिया जा रहा है, और मेडिकल कॉलेज की के माध्यम से सारी सुविधाएं जल्दी से जल्दी यहाँ उपलब्ध हो इसके प्रयास किए जा रहे हैं, वो जल्दी ही मेडिकल कॉलेज की सारी सुविधाएं यहाँ मिलने लगी। आपने खेल संकुल